चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। देखिए, कल हमने लास्ट डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो थी सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली, जिसका काफी इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन हमने समझा था कि डिसऑनेस्टली के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या नहीं है, ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब इसके बाद जो एक डेफिनेशन आती है सेक्शन 25 फ्रॉड्यूलेंटली। देखो, अक्सर इन दोनों डेफिनेशन में काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो, एक तो डिसऑनेस्टली और दूसरा फ्रॉड्यूलेंटली, दोनों में बड़े छोटे छोटे से डिफरेंसेस। पहले अपन इसका मीनिंग समझते हैं। बेयर एक्ट में देखो कि बेयर रीडिंग करोगे तो उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉड्यूलेंटली इफ ही डज दैट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। अगर इसकी बेयर रीडिंग से इसका मतलब समझने की कोशिश करोगे तो क्या लिखा है कि कोई इंसान अगर कुछ करता है तो कहा जाएगा कि वो फ्रॉड्यूलेंटली कर रहा है अगर उसके करने का इंटेंशन किसी के साथ फ्रॉड करने का होता। यानी आप कोई ऐसी चीज करते हो जिससे आप सामने वाले के साथ फ्रॉड करना चाहते हो तो कहा जाएगा कि आपने वो चीज फ्रॉड्यूलेंटली की है ना। तो जो फ्रॉड्यूलेंटली की सबसे बेसिक जो हम कहें एसेंशियल जिसको हम बोल सकते हैं वो ये है कि वहां पे आपका इंटेंशन किसी के साथ फ्रॉड करने का होना चाहिए, है ना, अदरवाइज फ्रॉड्यूलेंटली नहीं कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है। तो देखो, ना तो फ्रॉड को और ना ही डिफ्रॉड को कहीं आईपीसी में डिफाइन किया गया है, नहीं किया गया। अपन इसकी अब लेमेन लैंग्वेज वाली जो मीनिंग होती है जो एक आम आदमी समझता है वो समझते हैं। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इज एन एक्ट ऑफ डेलिबरेट डिसेप्शन। अब ये डिसेप्शन क्या होता है? डिसेप्शन का मतलब मेकिंग समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। किसी को वो चीज बिलीव करवाना जो सच नहीं हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कारण करवाना ताकि आपको उससे कुछ फायदा पहुंच सके, टू सिक्योर समथिंग। तो आप फ्रॉड को कैसे डिफाइन करोगे कि आप किसी को कोई ऐसी चीज बिलीव करवा रहे हो जो सच नहीं है और आप उसे ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे आपको कुछ फायदा मिलने वाला है। यू वॉन्ट टू सिक्योर समथिंग, दैट इज वाई यू आर डूइंग दिस। ठीक है, उसको फ्रॉड बोलते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ इंटेंट टू डिफ्रॉड, ये उसी का एक्सप्लेनेशन चल रहा है पूरा बॉक्स में। डिफ्रॉड जो है वो अपने आप में एक क्राइम नहीं है। देखो, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, ये जो किसी का जो आपका इंटेंशन होता है किसी के साथ डिफ्रॉड करने का, है ना, ये अपने आप में क्राइम नहीं है पिनल कोड के अंदर, है ना। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिनको अगर आप इस फ्रॉड इंटेंशन के साथ करोगे, कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिनको अगर आप इस फ्रॉड इंटेंशन के साथ करोगे तो उनको ऑफेंस कहा जाता है। मतलब कि जो सेक्शन 25 है फ्रॉडुलेंटली, वो अपने आप में कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, वो एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है दूसरे ऑफेंसेस का। जैसे आपको आईपीसी में बहुत जगह मिलेगा फ्रॉड्यूलेंट रिमूवल ऑफ कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 206, 421, 421, देखो इसमें भी फ्रॉड्यूलेंट वर्ड यूज हुआ है। फ्रॉड्यूलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट सीजर, सेक्शन 207, इसमें भी फ्रॉड्यूलेंट वर्ड यूज हुआ है। देखिए, फ्रॉड्यूलेंट सफरिंग और ऑब्टेनिंग अ डिक्री, ये देखिए। चीटिंग, अभी चीटिंग जो अपन समझते हैं सेक्शन 415 से लेके 420 तक आएगी, वो चीटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है फ्रॉड्यूलेंट। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ जाओगे कि किसी के साथ डिफ्रॉड करना ये अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ एक्ट के साथ अगर उन एक्ट को फ्रॉडुलेंटली किया जाता है तो वो एक ऑफेंस कहलाता है। ठीक है, अब एक और चीज समझो, यहाँ पे जो डिफ्रॉड वर्ड यूज हुआ है वो डिफ्रॉड वर्ड के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, समझना उसके दो। अच्छा, डिफ्रॉड के भी अपने आप में दो एलिमेंट होते हैं, पहला तो होता है डिसीट और दूसरा होता है इंजुरी टू द पर्सन डिसीव्ड। अब आप डिसीट का मतलब समझ लो। डिसीट जो है, अपन ने कल पढ़ा था, याद करो, मैंने आपको कल भी डिसीट का मतलब बताया था डिसऑनेस्टली के वक्त, और मैंने ये भी क्लियरली वहां पे कहा था कि डिसीट इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ डिसऑनेस्टली। डिसीट जो है वो डिसऑनेस्टली का एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता है, हाउ एवर इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ फ्रॉड्यूलेंटली। लेकिन ये फ्रॉड्यूलेंटली का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। देखो, मैंने आपको कल बताया था ये डिसीट वर्ड, ये देखो डिफाइन किया हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे,
ये देख पा रहे हैं आप लोग, डिसीट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ वर्ड डिसऑनेस्टली, और डिसीट का मतलब होता है किसी कुछ चीज कंसील करना या किसी को मिसरिप्रेजेंट करना सच को छुपाने के लिए, इसको डिसीट कहा जाता है। अब एक चीज समझना, कोई चीज अगर डिसऑनेस्टली की जा रही है, वहां पर डिसीट हो या ना हो वो जरूरी नहीं, लेकिन फ्रॉड्यूलेंटली अगर कोई चीज की जा रही है तो वहां पर डिसीट जरूर होगा, यानी मिसरिप्रेजेंटेशन जरूर होगा, सच्चाई को छुपाने की कोशिश जरूर होगी, जिसको हम डिसेप्शन बोलते हैं, क्योंकि डिसेप्शन और डिसीट थोड़े थोड़े सिमिलर वर्ड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे फ्रॉड का क्या होता है, डिफ्रॉड का, कि सामने वाले को उस डिसीट के कारण कुछ इंजुरी भी पहुंचना चाहिए। ठीक है, याद करो कल जब हम डिसऑनेस्टली के बारे में पढ़ रहे थे, तो डिसऑनेस्टली की एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां पे जो लॉस हो रहा था वो एक पिक्यूनरी लॉस हो रहा था, यानी पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड लॉस वहां पे हो रहा था। ये चीज तो आप कल समझ चुके थे, अगर मनी से रिलेटेड लॉस नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो डिसऑनेस्टी नहीं कहला रहा है। बट आप एक चीज समझना, फ्रॉड के अंदर इंजुरी होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि वो इंजुरी एक पिक्यूनरी लॉस हो, एक इकोनॉमिक लॉस हो या पैसे का ही लॉस हो, इट इंक्लूड अ नॉन इकोनॉमिक और नॉन पिक्यूनरी लॉस ऑल्सो, यानी कि बिना पैसे का लॉस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, यानी कि रेपुटेशन का अगर लॉस होता है ना तो वो भी डिफ्रॉड के अंदर इंक्लूडेड माना जाता है, वो डिसऑनेस्टली के अंदर नहीं माना जाता। तो ये चीज आप एक समझ लेना, ये मैंने आपको फ्रॉडुलेंटली वर्ड का जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो बता दिया। अब यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के लिए, डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, समझना कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा आंसर मत लिखना, जितना मैंने आपको कल डिसऑनेस्टली में एक्सप्लेन किया और जितना फ्रॉडुलेंटली में आज एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे आंसर प्रिपेयर करना, थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च भी लगा लेना, बट कर लेना। ठीक है, चलिए सेक्शन 25 के आगे बढ़ते हैं, अभी हम आते हैं सेक्शन 26 पे। अब देखिए सेक्शन 26 बेर एक में देखिए क्या लिखा है, रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव का क्या मतलब होता है, यहां लिखा है कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग If he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise, यानी कोई चीज आपके सामने रखी है ना, कोई चीज आपके सामने रखी है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी sufficient चीज है जिससे आप believe कर लो कि हाँ वो सही है, तो कहा जाता है कि उसे reason to believe कहते हैं। यानी reason to believe जो है ना वो state of mind होता है, पहली चीज तो समझ लो कि ये कोई कोई सामान नहीं है reason to believe, it is a state of mind, ये अपने दिमाग की एक दशा है ना, इस दशा से हम किसी चीज के होने को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ये चीज है। अब आप इसको सस्पिशन से कंपेयर मत करना, आप इसको डाउट से कंपेयर मत करना। सस्पिशन मतलब किसी पे शक होता है, डाउट यानी कि किसी पे कोई दुविधा अपने को हो रही है, डाउट हो रहा है, वो चीजें रीजन टू बिलीव नहीं कहलाती है ना। एक और चीज, अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज को होते हुए देख लिया तो सिर्फ उसको देखना बिलीव कहलाना नहीं कहता, बिलीव नहीं कहलाता, ये समझना बात को। कोई चीज आपने सिर्फ होते हुए देख ली, अरे होते हुए देख लेने से बिलीव कर लेंगे ऐसा जरूरी थोड़ी है ना। तो ये भी याद रखना कि सिर्फ देख लेना बिलीव करना नहीं कहलाता है। और दूसरी चीज, अब आप सोचोगे कि सर कैसी बात हो गई, देख लिया और कह रहे हो बिलीव करना नहीं कहलाता है, तो देखो बहुत बार ऐसा होता है जब आप किसी चीज को अपनी आंखों से देख तो लेते हो बट देन ऑल्सो यू आर नॉट बिलीविंग दैट थिंग, आप उसको बिलीव नहीं कर पाते। तो हम कह सकते हैं कि रीजन टू बिलीव जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन वो एक हायर लेवल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है। यानी सिर्फ किसी चीज को इनिशियली होते हुए देख लिया तो बिलीव कर ही लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है ये एक। इधर रीजन टू बिलीव में कुछ पर्टिकुलर चीजें होना चाहिए हमारे दिमाग में जिसके कारण हम किसी चीज के होने को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको रीजन टू बिलीव कहते हैं। अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे ऑफेंसेस हमको दिखाई देंगे जहां रीजन टू बिलीव वर्ड यूज होगा, हमें हर एक पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर उस रीजन टू बिलीव का मतलब समझना पड़ेगा। तो अभी से समझ लो कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, सिर्फ एक बार देख लेने को बिलीव करना नहीं कहते हैं, ये एक हायर लेवल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, चलिए सेक्शन 27 पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। देखो ये तीन लोगों को क्यों ऐसे स्पेशल सेक्शन बना के लिख रखा है यहाँ पे, इसका रीजन समझना। आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है कि मैंने प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन्स वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट,
ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड. देखो कहा जाता है वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, ये तीनों लोग एक इंसान के साथ रहते, ठीक है. वाइफ घर पे, क्लर्क ऑफिस में, सर्वेंट भी घर पे या ऑफिस में कहीं भी हो सकता है, साथ साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं कहना भी मानते हैं उस पर्सन का, ठीक है. तो हमारा जो ये इंडियन पिनल कोड है ये क्या कहता है कि अगर अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के पास है, यानी उसकी वाइफ ने ले रखी है, किसके बिहाफ पे ले रखी है, वो पर्सन के बिहाफ पे, यानी कि उस वाइफ के हस्बैंड के बिहाफ पे उसने वो प्रॉपर्टी अपने पास पजेस करके रखी है, या फिर क्लर्क ने अपने मालिक के बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी पजेस करके रखी है, या फिर सर्वेंट ने अपने मालिक के बिहाफ पे, अपने मास्टर के बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी पजेस करके रखी है, तो हमारा पिनल कोड ये समझता है कि वो प्रॉपर्टी उसी पर्सन के पास रखी है. यानी कई बार ऐसा होता है ना कि यार देखो, मान लो मालिक प्रॉपर्टी कहीं से चोरी करके ले आया, अब मालिक ने वो प्रॉपर्टी चोरी करी है कहीं से और छुपाने के लिए क्लर्क के पास रख दी. अब छुपाने के लिए क्लर्क के पास रख दी है तो भैया क्लर्क चोरी करके थोड़ी आया, और क्लर्क तो उसका सर्वेंट एक तरह का, मतलब काम करने वाला है उसका, मान लेगा वो उसकी बात कि मालिक ने बोला है प्रॉपर्टी रखने के लिए तो मैंने रख ली. पर क्यों रखी? क्योंकि मालिक ने बोला है. किसके बिहाफ पर रखी? मालिक के बिहाफ पर रखी. तो कल को अगर चोरी का केस बनेगा तो मालिक तो ये कह के पीछे हटने की कोशिश करेगा ना कि यार प्रॉपर्टी तो मेरे पास से बरामद नहीं हुई है, प्रॉपर्टी तो इस क्लर्क के पास से बरामद हुई है. तो फिर उसको हम सेक्शन 27 दिखा देंगे और क्या कहेंगे कि भाई देख, क्योंकि ये तेरा क्लर्क है और तेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी इसके पास हमें मिली है, मतलब ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी तेरे ही पोजेशन से मिली है. ये खुद इंडियन पिनल कोड इसको डीम कर लेता है, समझ लेता है. तो एक चीज यह समझ लेना. दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसे तो फिर ये क्लर्क वगैरह अगर चोरी कर लेंगे तो इनका मालिक फंस जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है. देखो इसका भी एक रीजन है. यहाँ पे जो पोजेशन है, चाहे वो वाइफ के पास हो चाहे वो सर्वेंट के पास हो, उनके पास सिर्फ पोजेशन होना इस चीज को प्रूफ नहीं करता है कि वो पोजेशन उनके मालिक ने ही करवाया होगा. इट इज नॉट द ट्रुथ कि अगर पोजेशन वाइफ या सर्वेंट के पास मिला है तो फंसेगा मालिक ही. इट मस्ट बी शोन दैट द पोजेशन इज हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ द एक्यूज्ड. आप इसमें एक ये चीज मार्क करना, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन लिखा हुआ है इसमें क्लियरली. ये शो होना चाहिए कि वाइफ, सर्वेंट और क्लर्क के पास जो पोजेशन है वो उन्होंने अपने मालिक के बिहाफ पे रख के रखा है या अपने हस्बैंड के बिहाफ पे रख के रखा है, जिसको हम एक्यूज्ड बोलते हैं. अदरवाइज ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर पोजेशन बाय हिज वाइफ, सर्वेंट ऑफ एनी इनक्रिमिनेटरी थिंग इवन इन हिज ओन हाउस. और अगर ये शो नहीं हुआ कि उन्होंने उस पर्सन के बिहाफ पे पोजेशन किया है तो हम उस चीज के लिए उस पर्सन को लायबल नहीं मान सकते. और एक और चीज, अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट आपका परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, आपने उसको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रखा है, तो वो भी सेक्शन 27 में इंक्लूडेड माना जाएगा. यानी मालिक अगर उसको भी कोई प्रॉपर्टी पजेस करने का बोलता है चोरी की, तो वहां पे भी ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी मालिक ने ही रखी. चलिए सेक्शन 27 आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा. अब आ जाइए आप लोग सेक्शन 28 पे. सेक्शन 28 में लिखा है काउंटरफीट. काउंटरफीट वर्ड आपको आईपीसी में बहुत सारी जगह यूज होता हुआ दिखाई देगा. करेंसी वगैरह को फिर से प्रिंट करना, नकली करेंसी बनाना, ये सब काउंटरफीटिंग कहलाता है, ठीक है. तो इसमें क्या लिखा है, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड. According to section 28, हमने यहाँ पे इस counterfeit के तीन ingredient निकाल लिए, है ना, तीन ingredient निकाल लिए. पहली चीज, एक चीज को दूसरी चीज के दिखने जैसा बनाना, मतलब जो सबसे पहला ingredient होता है ना counterfeit का, वो ये होता है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज ली, एक कोई दूसरी पर्टिकुलर चीज ली और दूसरी वाली चीज को देख देख के पहली वाली भी सेम टू सेम उसकी कॉपी कर ली, उसके जैसा बना दिया. अब क्यों बनाया, सवाल ये उठता है. सिर्फ बना दिया काफी नहीं है, क्यों बनाया वो भी देखना पड़ेगा.
आपका इंटेंशन ये था कि आप जब वो कॉपी करोगे सामान की, तो उस सामान को कॉपी करने के बाद आप डिसेप्शन करोगे। अब फटाफट से मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेप्शन? डिसेप्शन का क्या मतलब है? धोखा देना, मिस रिप्रेजेंट करना। मिस रिप्रेजेंट करना, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करना। तो आप जो एक चीज को दूसरी चीज से कॉपी कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो ताकि आप किसी के साथ जाके धोखा कर सको। आप किसी को जाके वो नकली जो चीज आपने बनाई है वो दे दोगे, और ये दिखाने की कोशिश करोगे कि अरे भाई तो असली है ना। तो या तो आपका इंटेंशन ये था, या फिर आप इस चीज को जानते थे कि भैया मैं कभी ना कभी तो इस चीज से डिसेप्शन करूंगा। तो एक होता है इंटेंशन और एक होता है नॉलेज। इंटेंशन का मतलब होता है कि आप सोच के जा रहे हो कि आप ऐसा करोगे, और नॉलेज का मतलब होता है कि आपने भले अभी नहीं सोचा है, लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको इस चीज की जानकारी है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन इंग्रेडिएंट होते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बनाना, ये इंटेंशन के साथ बनाना कि आप डिसेप्शन करोगे, या फिर आपको इस चीज का नॉलेज है कि भैया डिसेप्शन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो चीजें आप कॉपी कर रहे हो वो कितनी कॉपी होना चाहिए। तो मैं बता दूं, पहले इस कॉपी करने को कहते हैं इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, एकदम एग्जैक्ट कॉपी करना ऐसा जरूरी नहीं है। काउंटरफीट की ऐसी कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि जो आप कॉपी कर रहे हो वो एकदम सेम टू सेम 100% फोटो कॉपी होना चाहिए, नहीं। दूसरी चीज, अगर आप नकली नोट बनाते हो, तो देखो नकली नोट बनाना अपने आप में एक क्राइम होता है। जरूरी नहीं है कि फिर आपका इंटेंशन वहां पे जेन्युइन हो, या आपका इंटेंशन ये हो कि मैं इस नोट को एकदम जेन्युइन जैसे बनाऊंगा। क्योंकि आप एक नोट को काउंटरफीट कर रहे हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आपका प्राइमरी इंटेंशन वहां पे उसको जेन्युइन दिखा के किसी को देना हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके बाद देयर, अब एक और चीज समझना, इंटेंशन प्रूव होना हो, इंटेंशन प्रूव होना हो, जो ये दूसरा वाला एसेंशियल, ये तीसरा वाला जो एसेंशियल मैंने आपको यहां बता रखा है नॉलेज वाला, ये जरूर प्रूव हो जाता है। आप सोचोगे कैसे प्रूव हो जाता है? देखो इंटेंशन प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नॉलेज को तो प्रिज्यूम कर लेती है कोर्ट। प्रिज्यूम करने का मतलब होता है कि कोर्ट खुद उसको मान लेती है। जब भी कोई समझदार व्यक्ति किसी चीज को काउंटरफीट कर रहा होता है या कॉपी कर रहा होता है, तो भाई क्यों कर रहा है वो, क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है करने की? खेलने कूदने के लिए तो करेगा नहीं ना। तो एक प्रिजम्पशन बना लिया जाता है कि उस इंसान को नॉलेज है इस चीज का कि भाई वो जो चीज काउंटरफीट कर रहा है उससे डिसेप्शन किया जा सकता है। तो ये कोर्ट हमेशा से प्रिज्यूम कर लेती है। अब क्योंकि कोर्ट इसको प्रिज्यूम कर लेती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन अक्यूज्ड टू प्रूव द कॉन्ट्ररी पार्ट, यानी वहां पे अक्यूज्ड को प्रूफ करना होता है कि नहीं भाई मेरा ऐसा कोई नॉलेज नहीं था, मैं तो इसलिए कर रहा था, मैं तो इसलिए कर रहा था, है ना। दिस इज द थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगी। ठीक है, तो ये सेक्शन 28 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अभी बात करते हैं सेक्शन 29 की। देखिए सारी डेफिनेशन ही डेफिनेशन है, बट काफी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है सारी। ठीक है, समझना इसको। ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, जो मैंने प्रिजम्पशन वाली बात बोली ना, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में दिया है, सेक्शन 28 के बेरेक में देखिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 29 की, डॉक्यूमेंट की। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, बेरेक से पढ़े। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर फिगर मार्क्स। ये तीन चीज मार्क करना है इसमें, लेटर फिगर और मार्क, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। मतलब कि कोई भी मैटर, मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपने किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक्सप्रेस कर दी है या डिस्क्राइब कर दी है। देखो इट डजंट मैटर कि वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एक पेड़ हो सकता है, एक पानी की टंकी हो सकती है, जमीन हो सकती है, किसी की खिड़की हो सकती है, किसी का दरवाजा हो सकता है। सब्सटेंस मैटर नहीं करता, इस चीज को क्लियरली याद रख लो। दूसरी चीज, आपने उस सब्सटेंस के ऊपर एक मैटर लिखा है, वो मैटर आपने कैसे लिखा है? या तो आपने लेटर से लिखा है ABCD, या फिगर से लिखा है आपने, कुछ फिगर ड्रॉ करे हैं, या कुछ मार्क आपने बनाए हैं, जैसे मार्क्स वगैरह होते हैं ना, एरो बनाना, सब एट द रेट वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये तीन चीजें, अच्छा देखो आप अभी ना एमसीक्यू सॉल्व करते जाना, जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते जाना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एमसीक्यू इतने बार एग्जाम में बना है कि जो डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट की सेक्शन 29 में, उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से मीन्स वहां पे एक्सप्लेन किए गए हैं, तो
तो चार ऑप्शन देते हैं, तीन तो ये होते हैं लेटर फिगर और मार्क, एक कोई सा आउटसाइड से आ जाता है। तो आप इसको समझ रहे, लेटर फिगर मार्क ये तीन चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो कोई भी मैटर किसी भी सब्सटेंस पे इन तीन चीजों की मदद से या इन तीनों में से कोई भी या इन तीनों को मिला के अगर आपने कहीं पर लिखा है और उस चीज को हम एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं, उस चीज को हम एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं, ऐसी चीज को डॉक्यूमेंट बोला जाता है। मतलब किसी चीज को डॉक्यूमेंट कहलाने के लिए क्या चाहिए, कोई सब्सटेंस, उसके ऊपर लिखा हुआ मैटर और उसे ऐसा एविडेंस यूज करने का इंटेंशन। चलिए, मैंने आपको बताया कि ये तो बिल्कुल इमटेरियल है कि सब्सटेंस क्या है। इट इज इमटेरियल बाय वॉट मीन्स और अपॉन वॉट सब्सटेंस द लेटर फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। अच्छा, एक और चीज, ये भी कंपल्सरी चीज नहीं कि आप उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में देने के पर्पज से ही बना रहे हो, एविडेंस में दिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि वो जो चीज बन रही है वो किसी भी जगह पे एज अ एविडेंस दिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप कोर्ट में ही वो एविडेंस दोगे या कोर्ट के एविडेंस के लिए वो आप चीज बना रहे हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा बिल्कुल भी इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप समझ लेना। उसके बाद ये देखो, मैंने पेड़ वाला एक एग्जाम्पल दिया था आप लोग को, लेटर्स और मार्क्स इम्प्रिंटेड ऑन ट्रीज and intended to be used as evident that the trees had been passed for removal by the ranger of a forest are document. ये केस था एम्परर वर्सेस कृष्णप्पा खंडप्पा, 1925 का केस है, बहुत पुराना है। यहाँ पे ये माना गया था कि अगर किसी पेड़ पे कोई लेटर या मार्क हमने लिखे हैं और ये इंटेंशन भी था कि हम उसे एज अ एविडेंस किसी केस में पेश करेंगे उस पेड़ को, तो उसे भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ठीक है, तो ये समझ लेना। उसके बाद बेयर एक्ट में देखोगे तो वहां पर देखो कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उसमें जो राइटिंग आप लिखते हो वो एज एविडेंस यूज की जा सकती है। जो चेक होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक मैप और प्लान जो आप कहीं पे एज एविडेंस यूज कर सकते हो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, आपने किसी को कुछ लिख के दिया है जिसमें कुछ डायरेक्शन लिखी है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, वो एक डॉक्यूमेंट होता है ना। तो ये चीज भी आपको इधर समझना पड़ेगी। चलो अभी आते हैं सेक्शन 29A पे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जितने भी ABCD वाले होते हैं ना, ये अक्सर बाद में आए हुए होते हैं। बाद में आने का मतलब कि जब ओरिजिनल एक्ट बना था तब ये थे नहीं, इनको बाद में ऐड किया गया, इसलिए इनके आगे ABCD लगा दिया, बीच में इनको जगह दे दी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, जैसे ही आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक नाम दिखाई दे, समझ जाना IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कमाल है। 2000 में ये एक्ट आई थी, 17 अक्टूबर 2000 को, यानी 2000 को फोर्स में आ गई थी, तभी ये सेक्शन 29A यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया था। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी इमेज, साउंड, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किसी कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिक में रखा हो, CD में रखा हो, DVD में रखा हो, पेनड्राइव में रखा हो, कहीं भी रखा हो, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोलते हैं। क्योंकि अगर IPC में देखोगे तो सिर्फ इतना लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज T में जाके देख लो। अब वहां पे क्या लिखा है वो नहीं पता, तो ये लिखा है वहां पे जो मैंने आपको यहां लिख के दिया, ठीक है। ये सेक्शन 29A भी यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया, ज्यादा इसकी गंभीरता में जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 30 पे आ जाओ, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी वर्ड जो है ना, मैं आपको बता देता हूं कि आपको पूरे IPC में इन जगहों पे ये दिखाई देगा, ये 7 सेक्शन में आपको वैल्यूएबल सिक्योरिटी वर्ड दिखाई देने वाला है। अब ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता क्या? द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज और परपर्स टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, or whereby any person acknowledges that he lies under a legal liability or has not a certain legal right. तो पहली चीज तो ये समझ लो कि जो valuable security होता है वो होता क्या है? Basically वो एक document होता है, basically it is a document जो कि बेयर एक्ट में आप mark कर सकते हो कि वो एक document होता है। दूसरी चीज, वो कैसा document होता है? वो एक ऐसा document होता है जो या तो कोई legal right create करता है, या किसी लीगल राइट को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, या किसी लीगल राइट को ट्रांसफर करता है, या किसी के राइट को रेस्ट्रिक्ट करता है, या किसी के राइट को खत्म करता है, या किसी के राइट को रिलीज करता है ना, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट
जिससे आप ये एक्नोलेज करते हो कि हाँ आपकी भी कुछ लीगल लाइबिलिटी है, या आप उससे ये एक्नोलेज करते हो कि यार मेरा तो कोई लीगल राइट है ही नहीं इस चीज पे, उसको एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाता है। देखो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो बड़ी कीमती होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंस उसकी क्या होती है कि वो किसी के लीगल राइट को क्रिएट कर रहा है, खत्म कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी कि इसके इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये बेरेक में मार्क कर लो आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डॉक्यूमेंट है, सेकंड एक लीगल राइट क्रिएट करता है, सिर्फ क्रिएट नहीं करता है, छीन भी सकता है, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल इसके देखें, एक अकाउंट बुक जो होती है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज होती है बट किसी भी पार्टी ने उस पर साइन नहीं किया, उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं माना जाता है। सिंपल सी चीज है, देखो अकाउंट बुक, पहली चीज इसका इसेंशियल देखते हैं अपन। अकाउंट बुक क्या होती है? अकाउंट बुक एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बट दूसरी चीज, क्या उस अकाउंट बुक से किसी का लीगल राइट क्रिएट होता है या किसी का लीगल राइट एक्सटेंड होता है? नहीं। अकाउंट बुक में क्या होता है? सिर्फ अकाउंट्स की डिटेल्स होती है, बस इंफॉर्मेशन के पर्पज से होती है ना। तो उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्यों बोलेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि उसको किसी पार्टी ने साइन भी नहीं किया, जब तक साइन नहीं किया तब तक तो क्या ही वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानेंगे उसको, है ना। तो इसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं माना जाता, ये केस तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1963 का केस है। और दूसरी चीज, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं, मकान की, अपने घर की रजिस्ट्री। अब वो रजिस्ट्री क्या करती है? वो एक लीगल राइट क्रिएट करती है हमारा उस प्रॉपर्टी पे, हाँ उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज, अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कॉपी आपने करवा रखी है तो उसकी कॉपी को वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं माना जाता। ये भी एक केस 1962 में गोविंद प्रसाद वर्सेस स्टेट में ऐसा माना गया था सुप्रीम कलकत्ता के कोर्ट के द्वारा कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी फोटो कॉपी को वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए ये यहां पर कंप्लीट हुआ। अब आइए सेक्शन 31 पे। देखो एक बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल दिया है इनने, इलस्ट्रेशन दिया है सेक्शन 30 में, वो आप बेरेट से देखिएगा। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है कि कोई ए नाम का इंसान है, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिख दिया, ठीक है। जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिखता है तो एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिखते हो तो ये कहा जाता है कि जो भी आपने इंडोर्समेंट वहां पे किया है ना, जो भी आपने इंडोर्समेंट वहां पे किया है, जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे नाम लिखा है, तो जो भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करेगा वो राइट उसके पास चले जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, ठीक है। तो इसको एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाता है। अब क्यों माना जाता है वो चीज तो आप समझ ही चुके हो, पहली तो वो डॉक्यूमेंट है, दूसरा तो वो एक लीगल राइट ट्रांसफर कर रहा है, दोनों एसेंशियल आ गए, देयरफॉर इट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अभी सेक्शन 31 पे आओ, यहां पे लिखा है विल। अभी विल का क्या मतलब होता है? देखो विल का मतलब होता है वसीयत, या विल जिसको हम बोलते हैं। ये एक लीगल डिक्लेरेशन होता है, जो विल लिखता है उसको टेस्टेटर बोलते हैं। टेस्टेटर अपना इंटेंशन इसके अंदर बताता है अपनी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कि जब वो उसकी डेथ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी किसको मिलना चाहिए, इसको इसको विल कहते हैं। यानी अ पर्सन हु बिफोर हिज डेथ डिस्क्राइब हिज इंटेंशन रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट टू इट्स प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, कि उसकी मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, ऐसे सारे इंटेंशन वो जीते जी लिख देता है, उसको विल कहा जाता है। अब विल का मतलब एक टेस्टेटरी डॉक्यूमेंट, इसको टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए सेक्शन 32 पे आ जाओ। सेक्शन 32 क्या कहता है? वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशंस आल्सो। देखो एक चीज समझना, एक्ट का मतलब होता है कोई चीज वॉलंटरी करना, और इलीगल ओमिशन का मतलब होता है कि कोई चीज इलीगल तरीके से छोड़ देना, ओमिट कर देना। जो एक्ट और ओमिशन होते हैं ना, इनको हमेशा साथ साथ ही समझा जाता है। अपन आईपीसी में बहुत जगह पढ़ेंगे कि इसने ऐसा एक्ट किया, इसने ऐसा एक्ट किया, ये एक्ट गलत है। मतलब कि किसी इंसान की इच्छा को एक्ट कहा जाता है, कि वो कुछ चाहता था और उसमें वो कर दिया। यानी मेरी कुछ इच्छा हुई और मैंने उस इच्छा को इफेक्ट देने के लिए कुछ कर दिया, तो मैं बोलूंगा मैंने एक्ट कर दिया।
मैंने मेरे को कुछ लिखने की इच्छा हो रही मैंने लिख दिया, ये एक्ट हो गया। मुझे कुछ बोलने की इच्छा हो रही मैंने बोल दिया, ये एक्ट हो गया। फिर एक चीज होती है ओमिशन। अब ओमिशन क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज को नहीं करना। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि किसी चीज को नहीं करना कब से क्राइम होने लगा भला? यार देखो, कोई चीज तो नहीं करना होती है, आप अगर वो करते हो तो गलत है ना? कोई चीज नहीं करना होती है, आप करते हो उसको एक्ट बोलेंगे, वो गलत है। बट कोई चीज आपको करना होती है, यानी आपकी मॉरल ड्यूटी होती है उस चीज को करना, आपकी लीगल ड्यूटी होती है उस चीज को करना, बट आप नहीं करते हो, वो भी तो गलत है। जो चीज नहीं करना उसको करना भी गलत है, और जो चीज करना है उसको नहीं करना भी गलत है। तो वो जो सेकेंड वाली कैटेगरी है ना, कि जो करने वाली चीज होती है जिसको आप नहीं करते हो, उसको कहा जाता है कि वो ओमिशन है, एक इलीगल ओमिशन, तो वो भी गलत है। और इसीलिए एक्ट का मतलब इलीगल ओमिशन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सेक्शन 32 सिर्फ ये बताने के लिए आया है कि एक्ट का मतलब सिर्फ एक्ट मत समझना, इलीगल ओमिशन भी अगर है तो उसको भी एक्ट के अंदर ही इंक्लूडेड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 33 एक्ट और ओमिशन दोनों को एक साथ फिर से डिफाइन कर देता है। इसमें लिखा है द वर्ड एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट एंड द वर्ड ओमिशन डिनोट एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। मतलब कि एक एक्ट का मतलब एक एक्ट भी हो सकता है और सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है, यानी एक के बाद एक लगातार बहुत सारे एक्ट भी अगर आपने किए हैं तो उनको भी एक्ट कंसीडर किया जाएगा। ओमिशन अगर एक है तो उसको भी ओमिशन बोलेंगे, और अगर एक के बाद एक बहुत सारे सीरीज ऑफ ओमिशन करे हैं, बहुत सारे रूल्स तोड़ दिए या बहुत सारी चीजें इलीगली ओमिट कर दी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ओमिशन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, ओमिशन को आप नेगेटिव एक्ट का नाम भी दे सकते हैं, कि एक नेगेटिव एक्ट को ओमिशन कहा जा सकता है, ठीक है। और एक चीज और समझ लो, किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक या किसी इंस्टेंटेनियस एक्ट को ही एक्ट नहीं बोलते हैं, बट एक सीरीज ऑफ एक्ट को भी एक्ट के अंदर माना जाता है, ठीक है। चलिए, ये भी चीज कंप्लीट हो गई। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आने वाली है, जिसके अकेले सेक्शन पे ये इतनी बड़ी स्लाइड है जो अभी तक देखो खत्म नहीं हो रही, ये इतनी बड़ी स्लाइड सिर्फ एक सेक्शन के लिए, तो आप समझ लो इस सेक्शन की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसको बड़ा ध्यान से समझना, सेक्शन 34 पूरा मेंस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है इस अकेले सेक्शन पे, ठीक है। अभी सेक्शन 34 है क्या, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? अब इसका टाइटल पढ़ेंगे, आप देखोगे सर बेयर एक्ट में तो 3 लाइन का दिया है, आपने यहाँ पे 30 लाइन से भी ज्यादा लिख दिया। इसका जो टाइटल है, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि कोई एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है, कोई एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है जिसको किसी एक आदमी ने नहीं, किसी एक इंसान ने नहीं, सेवरल पर्सन ने किया। सेवरल पर्सन का मतलब, सपोज करो कि अपन चारों पांचों मिलके कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट अपन करते हैं, और हम सबका उस एक्ट को करने के पीछे एक कॉमन इंटेंशन भी था, एक कॉमन इंटेंशन हमारा था वहां पे, जब हम वो काम कर रहे थे पांचों लोग मिलके, तो हमारा एक कॉमन इंटेंशन वहां पे था, और हमने अपन सबके उस कॉमन इंटेंशन के कारण वो क्रिमिनल एक्ट किया। तो ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, तो हम पांचों उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ऐसे रिस्पॉन्सिबल होंगे जैसे कि वो काम हमने अकेले किया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि हम पांचों मिलके किसी का मर्डर करने चाहते हैं, मजाक कर रहा हूं मैंने, सीरियसली मत लेना, हम पांचों मिलके किसी का मर्डर करने चाहते हैं, हम पांचों ने पहले बैठ के प्लानिंग करी, हम सोच रहे थे यार इसको क्यों मारना है, इसको इसलिए मारना है, ऐसे जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे करके डिसाइड कर रहे थे, पूरी एक प्री प्लानिंग कर रहे थे, मतलब कि हम पांचों का कॉमन इंटेंशन तो था कि हम उस इंसान को जाके मारेंगे। हम पांचों ने अपना कॉमन इंटेंशन उठाया और उसको पूरा करने के लिए निकल पड़े। अब हम में से एक इंसान क्या कर रहा था, जब हम उस इंसान के पास गए जिसका हमें मर्डर करना था, तो हम पांचों में से किसी एक ने उसके घर के बाहर खड़े होके पहरा दिया,
कि कोई और अंदर ना आए, मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ, आप लोग मर्डर करो। फिर अंदर जब गए तो एक इंसान अपन में से कोई सिर्फ खड़ा हुआ था बस, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ चाकू पकड़ के खड़ा था बस, नथिंग एल्स। और बाकी के जो तीन थे उनमें से एक ने सिर्फ उसको दो पंच मारे बस, और एक ने उसको चाकू से मार दिया। अब ठीक है, हम पांच लोग थे, एक घर के बाहर खड़ा था, एक अंदर सिर्फ चाकू पकड़ के खड़ा था, एक ने सिर्फ पंच मारा था, और बाकी के दो ने चाकू लगा दिया था। अब ये पांचों के पांचों पकड़ा गया अपन। अब जब हमारे ऊपर ट्रायल चलेगा, सबके ऊपर मर्डर का ट्रायल चलेगा, तो हम वहां पे खड़े होकर ये नहीं बोल सकते, जो जो हम पांच में से एक इंसान घर के बाहर खड़ा था, वो कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि सर मैंने मर्डर में कुछ नहीं किया, मैं तो बस घर के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहा था, तो मुझे तो सजा कम मिलना चाहिए। और जो अंदर वाला एक है वो बोलेगा सर मैं तो सिर्फ चाकू पकड़ के खड़ा था, देख रहा था बस, मैंने तो चाकू टच भी नहीं किया, तो मुझे भी कम मिलना चाहिए। एक बोला सर मैंने तो सिर्फ मुक्का मारा है, तो मुझे तो कॉजिंग हर्ट की सजा दे दो बस, मर्डर की क्यों दे रहे हो। तो ये वाली चीज होने लग जाएगी। तो ऐसी चीज ना हो, सेक्शन 31 उसको होने से ही रोक लेता है कि भाई देखो तुम पांचों थे, तुम पांचों का कॉमन इंटेंशन भी था मर्डर करना, तो अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पांचों में से किस किसने क्या क्या किया, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम पांचों का कॉमन इंटेंशन था, तुमने अपने कॉमन इंटेंशन को अंजाम देने के लिए वो एक्ट किया, अब आपने उसमें से कितना कितना पार्टिसिपेशन दिया इट डजंट मैटर, बट पार्टिसिपेशन दिया इट मैटर्स। और इसीलिए हर एक इंडिविजुअल आपके अंदर से, हम पांचों में से हर एक इंडिविजुअल मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सेक्शन 34 का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारी चीजें इसके अंदर से और बन जाती है, इसीलिए मुझे इतना सारा यहाँ पे लिखना पड़ा। अब एक चीज समझ लो कि जो ऑर्डिनरी प्रिंसिपल है, ऑर्डिनरी प्रिंसिपल इसको हम बोलते हैं कि कोई भी एक इंसान को किसी दूसरे के किए गए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। ये जनरल प्रिंसिपल है कि काम किसी और ने किया, रिस्पॉन्सिबल किसी और को नहीं माना जाता है। लेकिन सेक्शन 34 में तो ऐसा ही हो रहा है। सेक्शन 34 में हम उस इंसान की बात करें जो हम में से बाहर खड़ा हुआ था घर के, उस इंसान के लिए तो यही लगेगा ना कि वो तो बेचारा घर के बाहर खड़ा था, मर्डर तो अंदर वालों ने करा, तो वो बाहर खड़े वाला क्यों रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो वो इसलिए हो गया क्योंकि सेक्शन 34 जो है ना वो इस जनरल प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 34 इज द एक्सेप्शन टू दिस जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा रिजॉइन कर लो फटाफट, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। आप लोग रिजॉइन कर लो।